हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू गाइस। आज की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे बहुत ही हेल्दी एंड टेस्टी सूप, वो है बेबी कॉर्न सूप। चलिए गाइस, इसको बनाना शुरू करते हैं और देखते हैं इसको बनाने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए और इसे कैसे बनाना है। रेसिपी पसंद आती है तो लाइक करें और साथ ही सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही बेल आइकॉन का जो बटन है उसे भी प्रेस करें, जिससे कि आपको मेरी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो गाइज, बेबी कॉर्न सूप बनाने के लिए यहाँ पे देखिए हमने कुछ चीज़ें रखी है। तो ये है इंग्रेडिएंट्स सूप बनाने के लिए। तो यहाँ पे हमने मिक्स बेल पेपर, तीनों कलर की शिमला मिर्च है, इनको हमने छोटे पीसेस में कर लिए हैं। एंड यहाँ पे हमने फाइन चॉप कर रखा है, स्लाइसेस कर रखे हैं, एक कप प्याज ऑनियन। एंड यहाँ पे बेबी कॉर्न, ये भी एक कप ले रखा है मैंने, इनको भी छोटे पीसेस कर लिए। और यहाँ पे हमने 2 टेबल स्पून कॉर्न फ्लोर ले रखा है, जो कि सूप को ठीक करने के लिए। एंड यहाँ पे देखिए हमने लिया है 1 टेबल स्पून चॉप्ड गार्लिक एंड 1 टेबल स्पून चॉप्ड जिंजर, 1 टीस्पून क्यूमन सीड, ज़ीरा एंड 1 टीस्पून ब्लैक पेपर एंड 1/2 टीस्पून सॉल्ट डालेंगे, टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते। एंड यहाँ पे 2 टेबल स्पून ऑलिव ऑयल एंड 2 टेबल स्पून वाइन विनेगर सिरका। तो गैस चलिए इस सूप को, हेल्दी सूप को बनाना शुरू करते हैं। और यहाँ पे टेस्ट के हिसाब से अगर डालना चाहे तो सोया सॉस डाल सकते हैं, बट हम यहाँ पे नहीं ऐड कर रहे हैं। और ग्रीन चिली सॉस भी सूप में डाला जाता है, बट ये अपनी चॉइस है। तो बस चलिए इन चीज़ों से बनाना शुरू करते हैं एक बढ़िया हेल्दी सूप। गाइस यहाँ पे देखिए हमने गैस चूल्हे पे एक पैन रख दिया है, जिसमें कि हम ये सूप बनाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम ऑलिव ऑयल इसमें डाल देते हैं एंड अब इसमें थोड़ा सा बटर भी डाल देंगे, तो उससे भी बढ़िया सा टेस्ट आएगा। तो जब भी बटर डालना हो सूप में तो सबसे पहले ऑयल डाल लेना चाहिए, तो बटर जलता नहीं है। चलिए अब इसमें ऐड कर देते हैं 1 टेबल स्पून हमने जो अभी चॉप्ड गार्लिक रखा हुआ था, इसको डाल देंगे। अब ये जिंजर भी डाल देते हैं साथ में, 1 टेबल स्पून चॉप्ड जिंजर डालेंगे, अदरक। गैस की फ्लेम को अभी हम मीडियम कर लेते हैं। ऑनियन इसमें ऐड करेंगे, इसको स्टिफ फ्राई करेंगे, बराबर इसको चलाते रहेंगे सॉफ्ट होने तक। तो ये प्याज जो है थोड़ी सॉफ्ट सी हो गई है, तो अब इसमें हमने सब्जी ऐड कर देनी है। यहाँ पे हमने ये बेल पेपर जो मिक्स रखे हुए, इसको डाल देंगे। अभी यहाँ पे ये क्यूमन सीड जो है हमारे पास, इसको भी डाल देते हैं। इसको 1 से 2 मिनट तक इसी तरह फ्राई कर लेते हैं मीडियम फ्लेम पे। इसे कभी लंच में या डिनर में भी ये सूप लिया जा सकता है, काफ़ी हेल्दी है, हेल्थ के लिए अच्छा है, वेट कंट्रोल होता है इससे, इस टाइप की सूप लेने से। वैसे अब ये जो हमारे पास बेबी कॉर्न, तो इसको भी डाल देते हैं। तो अभी ये जो हमारे पास 2 टेबल स्पून कॉर्न फ्लोर था ना, तो इसमें हमने थोड़ा सा पानी डाल के इसको लिक्विड फॉर्म में कर लिया है, अब इसको डालेंगे। लेकिन इससे पहले हम इसमें 2 कप पानी ऐड कर देंगे। अब इसमें हमने 2 कप के अंदाज से पानी डाल देना है। और अब हमने ये जो हमने लिक्विड बनाया हुआ है इसको डाल देते हैं कॉर्न फ्लोर का, इसको ठीक करने के लिए तरह से मिक्स करेंगे। अब ये थोड़ी देर में ठीक भी हो जाएगा। और ये जो हमने कॉर्न, बेबी कॉर्न डाले हैं और ये जो हमने शिमला मिर्च के टुकड़े हैं ये डाले हैं, ये सारे थोड़े से सॉफ्ट हो जाएंगे। तो अभी देख लेते हैं, अगर ज़्यादा गाढ़ा होने लग जाएगा तो थोड़ा पानी ऐड कर सकते हैं, अगर नहीं होगा ठीक ज़्यादा तो फिर पानी डालने की और ज़रूरत नहीं है। अभी ये उबलने लग गया है, बॉयल हो रहा है, तो अभी हमने गैस की फ्लेम लो कर देनी है। अब लो फ्लेम पे इसको थोड़ी देर तक पकाएंगे, 3 से 4 मिनट तक ये सूप पकेगा। एंड अब इसमें ऐड कर देते हैं, यहाँ पे हमने ले रखा है ब्लैक पेपर 1 टीस्पून, अब इसको ऐड कर देंगे। एंड 1/2 टीस्पून हमने सॉल्ट ले रखा है, इसे ऐड कर देंगे, तो
उसको अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं। अब इसमें लास्ट में हमने ये जो 2 टेबलस्पून विनेगर ले रखा है ना, वाइट विनेगर, अब इसे ऐड कर देंगे। सो एक बार फिर से अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं। अब इसको हमने 3 से 4 मिनट तक पकने देना है लो फ्लेम पे, थोड़ा लो फ्लेम पे इसको हल्का सा थोड़ा सा हाफ इसको खोल के रखेंगे और इसे कवर करेंगे ऐसे। सो गाइस सूप को देख लेते हैं, तो ये सूप जो है रेडी हो गया है। चलिए अब इसको सर्व करते हैं। गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे। इसकी जो सूप की थिकनेस है वो भी बहुत ही परफेक्ट है। यहाँ पे देखिए हमने एक सूप बोल लिया हुआ है बहुत ही प्यारा सा, तो अब इसमें हमने सूप डालना शुरू करना है। इस तरह का हेल्दी सूप बनाइए और हेल्दी रहिए। आई होप कि ये सूप पसंद आया होगा, रेसिपी जो है सूप बनाने की। गाइस इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपने जो प्यारे प्यारे कमेंट्स है उसे ज़रूर देते रहिएगा। बहुत अच्छे से गार्निश कर देते हैं इसको। सो गाइस सूप जो है रेडी है सर्व करने के लिए, तो आई होप कि ये रेसिपी पसंद आई होगी। सो गाइस इसको बनाइए और इन्जॉय कीजिए, हेल्दी रहिए। ओके टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं एक नई रेसिपी नए ब्लॉग के साथ।